हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपको सभी प्रकार के रोगों और उनके उपचार के बारे में बताया जाता है तथा अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व घरेलू उपचारों की जानकारी दी जाती है। मेरा नाम है करण मल्होत्रा, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट चेस्ट पेन। छाती में टिपिकल चेस्ट पेन को पहचानना आसान है, लेकिन एटिपिकल चेस्ट पेन को पहचानना बिल्कुल मुश्किल है। इनके लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग यह पहचानने में गलती कर देते हैं कि छाती का दर्द हार्ट अटैक है या गैस का। अमूमन देखा गया है कि छाती के दर्द या जलन को लोग गैस का दर्द समझकर नतरंदाज कर देते हैं। ऐसे में हृदय संबंधी परेशानियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जबकि कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि किसी मरीज को अगर छाती में 15 से 20 मिनट तक लगातार दर्द हो तो उसे तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और हर बार सीने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छाती का दर्द हार्ट अटैक का लक्षण है या गैस का, इसको कैसे पहचानने, इस विषय में इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से विस्तार में समझाऊँगा। तो इसको सीने के दर्द जो होते हैं इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है टिपिकल चेस्ट पेन, दूसरा है एटिपिकल चेस्ट पेन। टिपिकल चेस्ट पेन को एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है। हृदय की मांसपेशियों जब तक पूरी तरह ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंचा पाती हैं तब छाती में असहजकता महसूस होती है और छाती में दर्द होता है। ऐसे ही असहजकता आपको कंधे, गर्दन, जबड़ा आदि में हो सकती है। एंजाइना कोरोटनी आर्टरी डिजीज का लक्षण है। कोरोटनी आर्टरी डिजीज तब होती है जब कोई एक या उससे अधिक धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। कोरोनरी माइक्रोवैस्कुलर डिजीज में भी चेस्ट पेन होता है। आमतौर पर छाती में हृदय को बीमारी का लक्षण माना जाता है, इसलिए सीने के दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बात की जाए टिपिकल चेस्ट पेन के लक्षण क्या होते हैं तो सीने के बीचों बीच दर्द होना, दर्द के साथ पसीना आना, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे उसकी जान निकल जाएगी, दर्द का बाएं हाथ उंगली और जबड़े की तरफ रेडिएट होना, चलने फिरने में भी तेज दर्द हो सकता है और इसमें टिपिकल चेस्ट पेन में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतली आ सकती है, उल्टी, चक्कर, थकान, ये सब लक्षण हार्ट अटैक की पहचान के लक्षण हैं। एटिपिकल चेस्ट पेन दूसरा बात करते हैं तो एटिपिकल चेस्ट पेन में बिल्कुल अलग होता है टिपिकल चेस्ट पेन से। एटिपिकल चेस्ट पेन को साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है। ऐसे मरीज छाती के दर्द को गैस या कमजोरी समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। धीरे धीरे जब दिक्कत बढ़ जाती है तो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर ECG करके देखता है कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है। एटिपिकल चेस्ट पेन के लक्षण की बात की जाए तो सीने में दर्द वैसा नहीं होता जैसे टिपिकल में होता है, इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है। एटिपिकल चेस्ट पेन में पेशेंट को दर्द नहीं होता लेकिन फिर भी अटैक आ जाता है। एटिपिकल लक्षण ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बशर्ते टिपिकल सिम्टम के आमतौर पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं जैसे गैस बनना। ऐसे मरीजों को सीने में दर्द नहीं होगा बल्कि गैस बनेगी। इनको पेट में भारीपन होगा, खट्टी डकारें आएंगी, अपच हो सकती है, पेट में अजीब सी सेंसेशन होगी, पेट के ऊपर के हिस्से में बेचैनी जैसा फील हो सकता है या जलन हो सकती है, नाभि के ऊपर रिब्स के बीच वाले हिस्से में ये लक्षण महसूस ज़्यादा होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, तो चक्कर आना, कुछ मरीजों को बिना वजह चक्कर भी आ जाते हैं। तो ये सब लक्षण किसी भी क्षण हो सकते हैं और 15-20 मिनट से ज़्यादा रह सकते हैं या गैर हृदय संबंधी परेशानियों के भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे लक्षण को महसूस करते हैं तो आप बिना देर के डॉक्टर से बात करें। एटिपिकल के मरीज गैस के लक्षण समझकर नज़रअंदाज करते हैं। रोज़ाना वाली गैस की दिक्कत होगी तो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक के लक्षणों में पेट में जलन, ऐठन, अपच हो सकती है तो गैस की गोली लेने से भी ठीक नहीं होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम करेगा तो ये परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। धूम्रपान वाले मरीज में ऐसे लक्षण ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने से तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए
और असामान्य छाती का दर्द निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे गैस की समस्या है, फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हैं, एसिड रिफ्लक्स है, आप जिसे स्ट्रेस है आपको, मस्कुलेटल बीमारी है या फिर कोस्टोकाइंडाइट्रिस है। तो एटिपिकल चेस्ट पेन के लक्षण किन लोगों में ज़्यादा दिखते हैं, तो जिसे जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उसमें हो गया, अनियंत्रित डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनमें ऐसा फील हो सकता है। ऐसे मरीज जिन्हें डायबिटीज़ या अनियंत्रित डायबिटीज़ है वो लोग एटिपिकल चेस्ट पेन के ज़्यादा भोगी हो सकते हैं। तो वही कैंसर जैसी बीमारियों में भी एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, या सभी गंभीर बीमारियों में इनमें व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और बात की जाए आगे की, तो बुज़ुर्ग और महिलाएँ भी हैं उनमें से, जैसे बुज़ुर्गों की उम्र बढ़ने के कारण इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, तो साथ में बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस समय इस हृदय की मांसपेशियां भी सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए रक्त का प्रवाह भी कम हो जाता है और वो प्रभावित होता है। तो वे महिलाएं जिनका मेनोपॉज वाला पीरियड है या ख़त्म हो गया है, हृदय रोगों के लिए अधिक प्रोन हो जाती हैं, जैसे बुज़ुर्ग और महिलाओं में भी एटिपिकल चेस्ट पेन दिखाई देता है। तो ये सब हो गए सीने में दर्द के, हमने प्रकार के बारे में बात कर ली, अब बचाव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको लक्षण दिखाई देते ही आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर कारणों के अनुसार परेशानी का समाधान ढूंढते हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हार्ट को आप स्वस्थ रख सकते हैं। अभी तक देखा गया है कि दिल की ज़्यादातर बीमारियाँ एक्सरसाइज की कमी, बिगड़ता खान पान आदि की वजह से होती रहती है। अगर हम नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट को फॉलो करें तो हार्ट की कैसी भी बीमारी से हम अच्छे से निजात पा सकते हैं। कुछ मामलों में छाती में दर्द होना आम बात है, लेकिन अगर यह दर्द लगातार हो रहा है, साथ ही दर्द के साथ पसीना, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो बिना देर किए हो आप डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना चेस्ट पेन के बारे में, सारी जानकारी हमने की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। हम रोज़ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।